हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार। और दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। बेसिकली ये एक थैंकफुल वीडियो है एक हॉलीडे कंपनी के लिए, जिन्होंने सच में मेरा इतना साथ दिया ड्यूरिंग माय कश्मीर हॉलीडे ट्रिप। इतना साथ दिया कि मैं अपने दिल से ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ, सो दैट उनको मार्केट में भाई पूरी प्रेजेंस मिल सके, जो वो डिज़र्व करते हैं एक्चुअली वो मिल सके। देखिए, जब कभी भी हम कहीं का भी प्लान बनाते हैं, चाहे वो कोई भी जगह हो, चाहे वो कश्मीर हो, गोवा हो, या साउथ हो, या कहीं का भी आप प्लान बनाते हो, अगर आप वो पैकेज किसी बड़ी कंपनी जैसे मेक माई ट्रिप, अगोडा और भी बहुत सारी ट्रैवल कंपनीज हैं, उनके थ्रू लेते हो, तो नो डाउट आपको सिक्योर्ड प्लान मिलता है। सिक्योर्ड से मेरा मतलब है जहाँ पर आपके साथ किसी भी तरीके की कोई धांधलेबाजी या कोई भी गड़बड़ होने का चांस बनता है, वो बड़ा माइन्यूट सा हो जाता है। माइन्यूट क्या, इंश्योरेंस भी उसमें कवर रहता है तो वो होता नहीं है, बट उसके हिसाब से वो चार्ज भी करते हैं। बट अगर मैं बात करूँ इस कंपनी की जिससे मैंने इस बार हॉलीडे प्लान लिया था, तो भाई ये कंपनी है मेरी जम्मू एंड कश्मीर की, क्योंकि मैं कश्मीर गया था और कश्मीर जाने से पहले मैंने मेक माई ट्रिप से और अगोडा से और कई सारी ट्रैवल कंपनी से डिफरेंट से मैंने प्लान लिए थे फॉर 5 डेज के लिए कि भाई मेरे को कश्मीर जाना है, आप मुझे बताइए। उन्होंने हालांकि मुझे बताया, प्लान भी शेयर करे, पूरे ट्रिप का ब्यौरा भी शेयर किया, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली था। फिर मैंने ऐसे ही गूगल पे सर्च किया तो एक कंपनी निकल के आई जिसका नाम है डिस्टेंट हॉलीडे। क्या नाम है? डिस्टेंट हॉलीडे। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है दोस्तों, ये मत समझना कि डिस्टेंट हॉलीडे ने मेरे को कुछ पे करके और मेरे से इस तरीके की वीडियो बनाए। नहीं, ये एक थैंकफुल वीडियो जो मैं अपने तहे दिल से, खास कर से डिस्टेंट हॉलीडे में जो उजायर हैं, उन्होंने जितना सपोर्ट किया ये उनके लिए है। एक्चुअली उन्होंने काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया है और इनके प्राइस भी बहुत ज़्यादा रीजनेबल हैं, और ये पूरे इंडिया में केवल 3 जगह की ट्रिप प्लान करते हैं। मैं अभी आपको दिखा दूंगा कहाँ की ट्रिप प्लान करते हैं। अब मैंने इन्हीं से क्यों लिया और मेक माई ट्रिप या किसी बड़ी कंपनी से क्यों नहीं लिया, वो भी आपको समझना चाहिए। कश्मीर जैसे स्टेट के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी बड़ी से बड़ी ट्रैवल कंपनी क्यों ना हो, वो वहाँ की एक किसी भी लोकल टूर एंड ट्रेवल्स की कंपनी की सपोर्ट के बिना आपको कोई भी पैकेज नहीं देती है। तो आप सिंपली ये समझो कि जब आप किसी बड़ी कंपनी से कोई भी पैकेज लेते हो, जो पूरी दुनिया में कहीं का भी आपको पैकेज बुक करके देते हैं, और जब वो कश्मीर जैसी जगह के लिए आपके लिए ट्रैवल बुक करते हैं, आपके लिए पैकेज बुक करते हैं, तो उसमें बीच में कई सारे कमीशन एजेंट हो जाते हैं। सबसे पहले तो वो जिस कंपनी को आपने अप्रोच किया है, उसके बाद वो कि वो कंपनी कश्मीर में वहाँ की लोकल ट्रैवल एजेंसी से जो करेगी वो, और उसके बाद फर्दर होटल्स और टैक्सीज और उन सब के लग के आपका पैकेज नो डाउट काफ़ी महंगा हो जाता है। तो मैंने अपने दिमाग में लगाया कि जब कोई भी कंपनी ट्रैवल एजेंसी, कोई भी ट्रैवल एजेंसी जम्मू एंड कश्मीर से ही आपको वहीं की एजेंसी से ही डिस्कशन करने के बाद आपका पैकेज बुक करती है, तो क्यों ना मैं डायरेक्टली जम्मू कश्मीर का ही कोई ट्रैवल एजेंसी फाइंड करूं। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद ये सर्च की, और देखिए पैकेज बुक करने से पहले नो डाउट ये जा रहा था दिमाग में कि कहीं फेक तो नहीं हो जाएगा, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि भाई मैं पे कर दूं और ये फेक कंपनी निकले। क्योंकि रिव्यू की बात करें तो भाई इस कंपनी के जब मैं रिव्यू पढ़ रहा था गूगल पे, यार मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया। एक भी रिव्यू ऐसा नहीं था जिसमें ये मैं ये बोल दूं कि यार ये निगेटिव रिव्यू मिला है। फिर मैंने कुछ और व्लॉगर्स और बहुत सारे ट्रैवल वीडियोज़ देखे और उनसे देखा, तो बहुत ज़्यादा इस कंपनी का जिक्र भी कहीं नहीं था। तो मैं पेमेंट तो कर चुका था, अब मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है। बट उजायर नाम के बंदे ने हर टाइम पे, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, कोई भी टाइम हो, कभी भी फ़ोन पे टाइमली रिवर्ट किया, टाइमली चीज़ों को एक्सप्लेन किया, एक एक चीज़ का ब्यौरा, हर चीज़ की डिटेल प्रॉपर तरीके से मेल पर, हर चीज़, मतलब उजायर से बात करके नो डाउट मुझे लग रहा था कि मैं सेफ हूँ। बट रिव्यूज़ देख के कि एक भी निगेटिव रिव्यू नहीं है, यार ये कैसे हो सकता है? एक आध तो निगेटिव रिव्यू मिल ही सकता है किसी का। भाई अगर आप गूगल पे जाके इसके रिव्यूज़ पढ़ोगे, जहाँ मेरा रिव्यू भी आपको दिखाई देगा, मनोज कुमार के नाम से आपको मेरा रिव्यू भी दिखाई देगा, भाई एक भी रिव्यू निगेटिव नहीं है इस कंपनी का। तो इस कंपनी का नाम और क्या इसने मुझे ऑफ़र किया है, कौन कौन से होटल्स मुझे दिए, कैसा मेरा पैकेज रहा, कितने रुपये का रहा, क्या क्या चीज़ इन्होंने कवरअप करी, तो इसी वाले वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सबसे पहले इस कंपनी का थोड़ा सा डिज़ाइन, लुक एंड फील, और कहाँ का टूर ये दिखाती है ये आपको दिखाता हूँ, सो दैट आप लोगों से
पहचान पाओ। हालांकि उज़ैर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा और उज़ैर की फ़ोटो भी आपको शेयर करूंगा, क्योंकि उज़ैर पर्सनली मेरे से मिलने आया था जब मैंने बताया कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ आपकी सर्विसेज से। तो पहले दिखाता हूँ डिस्टेंट हॉलीडे का लोगो कैसा है, उसके यहाँ से मेल कैसी आती है, किस तरीके की टूर्स वो बनाते हैं। तो भाई सबसे पहले लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप पे। सो दोस्तों लैपटॉप पे जैसे ही लिखता हूँ डिस्टेंट हॉलीडे, वैसे ही आया था डिस्टेंट हॉलीडे कश्मीर, फोटोज, रिव्यूज, कॉन्टेक्ट नंबर, लद्दाख। तो भाई मैं कश्मीर वाले पे क्लिक कर देता हूँ, हालांकि ये मुझे वेबसाइट पर लेकर चला जाएगा। ये करता हूँ जो सबसे पहला लिंक मेरे लिए आया है इसी पर खोल देते हैं दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए दोस्तों, ये इसका लोगो है, ठीक है, डिस्टेंट हॉलीडे ट्रेवल एक्सपीरियंस एंड स्टाइल। यहाँ पर इसका कॉन्टैक्ट नंबर एंड सेल्स का आपका लिखा हुआ है मेल आईडी, और उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैंने इस पर जाकर इंक्वायरी की और कुछ अपनी फर्दर डिटेल्स डाल दी। डिटेल डालने के बाद में मेरे को पूरे 24 घंटे के अंदर मेरे को फ़ोन आ गया उज़ैर का, और उज़ैर ने फिर मेरे साथ सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से साझा की। आप थोड़ा सा इसकी वेबसाइट को भी रिव्यू कर लेते हैं भाई, ये कहाँ कहाँ के टूर कराते हैं और क्या नहीं कराते हैं। तो लेके चलता हूँ फिर से आपको लैपटॉप पर। यहाँ पे अगर आप देखोगे टूर पैकेज ये कौन से कराते हैं, तो भाई इनकी ऑफिशियल साइट का नाम है ये वाला, गौर से देख लो दोस्तों, distanthollidays.com। तीन टूर ये कराते हैं, कश्मीर टूर, लद्दाख टूर और मनाली टूर। मनाली टूर का डिटेलिंग यहाँ नहीं दिख रहा है, जो लोग लद्दाख की तरफ से जाते हैं उनके लिए मनाली टूर भी ऑफर करते हैं, जैसा मेरा डिस्कशन हो रखा है। तो जैसे अगर मैं लद्दाख पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए लद्दाख पर क्लिक करने के बाद लद्दाख के लिए आपको कुछ इस तरीके से पेज दिख जाता है, और अगर कश्मीर करता हूँ तो कश्मीर के लिए आपको कुछ इस तरीके से पेज दिख जाता है। दोनों पर जाके आप भाई अपनी इंक्वायरी करोगे, उसके बाद कोई ना कोई बंदा कंपनी से आपके साथ अलाइन हो जाएगा और आपकी चीज़ों की टेक केयर करेगा, आपके डिस्कशंस को समझेगा, आपकी रिक्वायरमेंट को समझेगा। और अगर रिव्यू की बात करूं तो देखो दोस्तों, रिव्यू जानना बहुत ज़रूरी है। जहां पे ऐसा नहीं है कि मैं प्रमोशनल वीडियो बना रहा हूं, आपको मेरा रिव्यू भी दिखाई देगा। देखिए गूगल रिव्यूज़ में यहां जाएंगे, ये दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे करते हैं। थोड़ा सा नीचे करने के बाद यहां पे देखो नंबर वगैरह डिटेल वगैरह सब दिख रही है, और आता हूं तो ये देखिए ये गूगल रिव्यूज़ लिखा हुआ है। और गूगल रिव्यूज़ में अगर मैं ये बात करूं तो देखिए ये रिव्यू मेरा पड़ा हुआ है, जिसमें मैंने खुद से 5 स्टार की रेटिंग दी है, और कब, 2 वीक पहले। और इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, व्यू गूगल रिव्यूज़ पर गए, और देखो सबसे ऊपर जो है मेरा यहाँ पर दिख रहा है 2 वीक पहले मैंने डाला था रिव्यू, जिसमें क्लियरली मैंने उज़ैर का जो नंबर भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और मोर पे जाएंगे और किसी ने भी दोस्तों, मैंने अपने फ़ोटोज़ भी शेयर करें जो मैंने वहाँ पे एक्टिविटीज़ की। आप किसी का भी देखोगे ना दोस्तों, किसी का भी 5 स्टार से नीचे रेटिंग नहीं होगा, जो आपको परेशान करने वाला लगेगा कि यार 5 स्टार कैसे कोई हमेशा कोई दे सकता है, देख रहे हो। तो ये सच में जो डिस्टेंट हॉलीडे का जो है दोस्तों, ये सच में भाई देखो मैंने कितना बड़ा रिव्यू लिखा है, और ये सच में मैंने खुश होकर लिखा है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि प्रमोशनल में बना रहा हूँ। ये देखो कितना बड़ा मैंने रिव्यू लिखा है। अपने चैनल का नाम भी मेंशन किया है, माई लाइफ माई फेस, जहाँ पर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ डाली है, जिसमें क्लियरली ये पता लगता है कि भाई मैंने किस दिन कौन कौन से दिन क्या क्या एक्टिविटीज़ करी है, ठीक है। तो सीधे दोस्तों अभी वीडियो जरूर बाद में बन रही है रिव्यू शेयर करने के लिए, और थैंकफुल वीडियो बना रहा हूँ, बट अब लेके चलता हूँ सीधे आपको कश्मीर की उस ट्रिप पर, जहाँ पे आपको पता लगेगा कि डिस्टेंट हॉलीडे ने मुझे क्या क्या चीज़ ऑफर करी है, कितने में करी है, और उसका फीडबैक कैसा है। तो सीधे मिलते हैं दोस्तों आपसे कश्मीर में उज़ैर भाई के साथ। तो गाइस अभी मैं हूँ भाई उज़ैर भाई के साथ, और इन्हीं से हमारा पैकेज था, और तहे दिल से इनको शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि भाई इन्होंने इतने अच्छे से हमारा ध्यान रखा है कि शायद मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। डेफिनेटली पूरा का पूरी चीज़ें आपको ब्लॉग में ज़रूर मिलेंगी, भाई का नंबर मिलेगा, भाई की कंपनी की डिटेल मिलेगी, इनको कॉल करो और निश्चिंत होके भाई फ्री हो जाओ कि आपको क्या करना है, बच्चों के साथ करना है, दोस्तों, फ्री हो जाओ, टोटली फ्री हो जाओ। तो पूरी डिटेल देने वाली है कि डिस्टेंट हॉलीडे पे किस तरीके से पैकेज होना है, क्या होना है, नहीं होना है। भाई को नहीं भूलना है, भाई का फेस याद कर लो, क्योंकि फिर ही आपको भूलने नहीं देंगे कि ये कौन है। हम नहीं भूल पाए तो डेफिनेटली आप भी नहीं भूलोगे भाई। तो चलो अभी वेट करते हैं, और डिटेल आपको पूरी मिलने वाली है ब्लॉग के अंदर।
जम जाएगी। तो ये पहला वाला मेरा होटल है दोस्तों, जिसका नाम है भाई पाम स्प्रिंग। और होटल के अंदर आपको रिव्यू करवाता हूँ, अंदर लेके चलता हूँ। देखो रूम मैंने आपको दिखाऊंगा ज़रूर, बट अभी रिसेप्शन में लेके चलता हूँ। बहुत ही बढ़िया बुकिंग दी है इन्होंने, क्योंकि बच्चों के साथ फैमिली के साथ रहते हैं, तो भाई बट ऑब्वियस है हमें सारी चीज़ें सारी फैसिलिटीज चाहिए होती है। चलो दोस्तों अंदर से आपको रिव्यू कराता हूँ। ये है होटल पाम स्प्रिंग का वेटिंग एरिया, जहाँ पे गेस्ट आते हैं और आते ही भाई वेटिंग एरिया में बैठते हैं, सो दैट उनके रूम्स वगैरह रेडी हो जाएं। तो अगर मैं बात करूँ भाई, होटल के अंदर कोई भी ऐसी कमी मुझे अभी तक महसूस नहीं हुई। और ये सारा रिव्यू मैं दे रहा हूँ बिकॉज एक नाइट का स्टे मैं ले चुका हूँ, जिसमें लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब कुछ इंक्लूडेड है। हालांकि कल मैं लंच भी नहीं ले पाया, मैंने डिनर लिया और आज ब्रेकफास्ट लेंगे, क्योंकि लंच के टाइम हम बाहर ही थे। तो रूम्स वगैरह भी मैं आपको दिखा दूंगा, तो अभी लेके चलता हूँ आपको आगे की चीज़ें दिखाने के लिए। डाइनिंग एरिया भी मैंने आपको दिखाया है वैसे, तो एक बार लेके चलता हूँ। चलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दोस्तों ऊपर चलते हैं सो देट आपको पता लगे कि भाई होटल दिखता कैसा है। ये लो, हालांकि फ्लोर कोई भी हो, फर्स्ट हो सेकंड हो थर्ड हो फोर्थ हो या फिफ्थ हो, आई थिंक फिफ्थ या सिक्स फ्लोर तक का है, सभी का जो लुक एंड फील है वो डिट्टो सेम है। तो अपने वाले में चलते हैं हम लोग। ये है दोस्तों हमारा रूम 301। और तो दोस्तों रूम आपने देख लिया, मैंने बताया था कि भाई यूज़ करने के बाद आपको पूरा रिव्यू दूंगा। तो रिव्यू एक्चुअली ऐसा है कि भाई रूम सबसे पहले तो फुल्ली हीटेड है, हीटर्स लगे हुए रूम में, और हीटर्स भी ऐसे नहीं है कि इलेक्ट्रिक हीटर या गैस हीटर ऐसा लगा हो, भाई सीधे सीधे एसी है, कूलिंग वाले और हीटर वाले दोनों। तो हीटिंग बिल्कुल ये फील नहीं हो रहा है कि भाई दिल्ली के अंदर है या श्रीनगर के अंदर। हम रूम के अंदर भाई विदाउट क्विल्ट सोए, कोई कंबल कोई ब्लैंकेट कुछ यूज़ नहीं किया, बिकॉज रूम टेम्परेचर हमने भाई बिल्कुल ऐसा किया हुआ था जिस तरीके से हमें एडजस्टमेंट लगे कि भैया इतना रख लो। और सच्चाई ये, अगर फीडबैक की या रिव्यू की बात करोगे तो भाई मैं 5 में से 5 दूंगा। तो ये पहला होटल है, आज मैं यहाँ से नाश्ता करने के बाद चेकआउट करूँगा। और ठीक है सर, दोस्तों हमारी बोट आ गई है अभी, चलो आ जाओ सर। सो दोस्तों ये था मेरा दूसरा दिन मेरी ट्रिप का, जिसके अंदर डिस्टेंट हॉलीडे ने मुझे पहले से ही हाउस बोट के ओनर, वहाँ के मैनेजर और जो शिकारा मुझे पिक करने के लिए आई थी, उन सभी के कॉन्टैक्ट डिटेल मुझे टाइम से दे दिए। साथ में मेरे पहुँचने से पहले ही कोऑर्डिनेशन कर दिया कि गेस्ट आने वाले हैं, आप अपने प्रॉपर घाट पर मिलें, क्योंकि जिस दिन भी हम हाउस बोट में रुकते हैं हर हाउस बोट किसी न किसी घाट के अंडर ही आती है। तो पहले से ही मेरे को घाट की डिटेल और सारी की सारी चीज़ें मुझे प्रोवाइड कर दी। तो भाई नाम से ही रॉयल पैलेस नहीं है, इसकी ब्यूटी देखने वाली है बिल्कुल, बहुत ही प्यारे तरीके से इसको सजाया गया है। तो अभी हमने एंट्री ले लिए, सबसे पहले शूज उतारने को बोल दिया, तो भाई शूज तुम्हारे भाई ने उतार लिए चकाचक, अब चलते हैं अंदर। ये खोला, ये बंद किया और हीटर चल रहा है दोस्तों मस्त। तो भाई थोड़ा सा दीदार कर लेते हैं अपने रूम्स का, बच्चे खुश हो गए हैं देख के कि पापा ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है,
ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और सच में है भी यार, देखने वाला। कैसा लगा छवि, कैसा लगा छवि, बस ये बता दो बेटा। हैं, दिल जीत लिया ना, डैडी करते ही ऐसा यार काम। अपने रूम देखते, देखे दोस्तों, ओए होए होए, क्या बात है, छा गए भाई, छा गए भाई। हालांकि बोर्ड्स को लेके थोड़ा सा डाइसी लग रहा था कैसा होगा, बट दिशांत हॉलीडे से मैंने अपना पैकेज बुक किया और भाई दिल जीत लिया उन्होंने। बाकी शाम को यहाँ की सर्विसेज का लुफ्त जरूर उठाएंगे, देखने में तो भाई अल्टीमेट लग रहा है, ठीक है ना। और बच्चों का भी फीडबैक लेंगे। ये किचन एरिया है जहाँ से सर्व होगा। और तो भाई ये तुम्हारे भाई का रूम है, ये तुम्हारे भाई का रूम है, और ये तुम्हारे भाई, ये देखो बोर्ड जरूर है बट भाई पूरा अरेंजमेंट है। और हीटर चल रहा है इधर, हाँ गरम, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और देखिए देखने में बोट लगती है। टॉयलेट एरिया आप देखो, ओए होए होए, बिल्कुल आइडिया नहीं था दोस्तों, सच में बिल्कुल ये आइडिया नहीं था कि कैसा होगा। तो यहाँ पे बाथ टब भी है बच्चों के लिए, सुबह गर्म पानी भर के बाहर। नहीं बेटा अभी नहीं, अभी नहीं। अमेजिंग दोस्तों, टोटल फीडबैक जो है अल्टीमेट है भाई, अल्टीमेट, नो वर्ड। भाई चाय हाथ लगी है, और भाई से एक भाई, बाहर से एक भाई आए हैं और ब्रेसलेट और ज्वेलरी दिखाने, तो बच्चे देख रहे हैं अभी। आए भाई किसी की समझ में, शिकारा आ गई है भाई, शिकारा पे जा रहे हैं अपने प्यारे से रॉयल पैलेस को छोड़ के अभी के लिए, बाकी थोड़ी देर में फिर वापस आएंगे। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली है भाई मेरे सेकंड डे के, जो होटल मैंने बुक किया था, होटल नहीं कहेंगे, हाउस बोट है। और ये खासकर से उन लोगों के लिए जिनका हाउस बोट का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही नेगेटिव हो जाता है। तो भाई मैं अब अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरा एक्सपीरियंस हाउस बोट को लेकर अल्टीमेट रहा है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ चीज़ें मैनेज की गई हैं। देखिए आप, ये देखिए, चाहे वो पॉट्स हों, लैम्प्स हो, और ये आपका फर्नीचर हो, या रूम में हीटर हो, झूमर हो, सारी चीज़ें बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे मेंटेन की गई है। तो जो भी मेरे भाई लोग हाउस बोट को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हाउस बोट में नहीं जाना है, स्मेल आता है, गंदगी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छी हाउस बोट लोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे से ट्रीट भी किया जाएगा और अच्छी सी फैसिलिटीज़ भी आपको दी जाएगी। तो भाई ये जैसा मैंने पहले बताया था कल के उसमें, सेकंड डे का मेरा श्रीनगर का डल लेक का हाउस बोट का व्लॉग है, और इसमें क्लियरली मैं जो और ये बुक किया था, बोलो मैंने दोस्तों डिस्टेंट हॉलीडे से, तो डिस्टेंट हॉलीडे का ये वाला सेकंड डे का भी जो बुकिंग था या जो इन्होंने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, हाउस बोट दिए, ये पूरी तरह से अव्वल दर्जे का रहा है। तो भाई हाउस बोट आप ले सकते हैं, बाकी एक बार मैं आपको हाउस बोट का विज़िट करा देता हूँ सो दैट आपको ये क्लैरिटी रहे। तो सभी अभी मॉर्निंग, और मैं हर एक व्लॉग में ये बता रहा हूँ कि भाई ये मैं यूज़ करने के बाद बता रहा हूँ, ठीक है। तो ठंड है तो अभी तुम्हारे भाई ने पहले बाहर लेके चलता हूँ, और फिर आपको हाउस बोट का पूरा टूर कराता हूँ, सो दैट जिसको भी हाउस बोट को लेके थोड़ा भी कन्फ्यूज़न है, और भाई ये बार बार बोल रहा हूँ, पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है, ये पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है भाई डिस्टेंट हॉलीडे को। तो पहले बाहर चलता हूँ, और ये दोस्तों मॉर्निंग का व्यू है, हर जगह पर आपकी नमाज चल रही है अभी चारों तरफ, और फ्रीजिंग पॉइंट के बहुत पास में है डल लेक, बहुत पास में, क्योंकि पानी जो है हिलता नहीं है। और आपका एंट्री पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से आप एंट्री लेते हो इस तरीके से, ये वेटिंग एरिया है, या आप चाय कॉफ़ी पीना चाहते हो, और ये आपका इस तरीके से एंट्री। अंदर पूरा रूम हीटेड है,
बिकॉज ठंड ज़्यादा है तो हीटर चल रहे हैं और पूरी तरह से भाई मतलब फील आता है लग्जीरियस वाला। यहाँ से फिर ये डाइनिंग रूम आ जाता है आपका, इसके बाद रूम्स एंड ऑल, ये कैटेगरी है रूम्स की। तो यहाँ पर सारे के सारे रूम्स हैं आपके, वाईफाई की फैसिलिटी भी मिलती है और ये पूरा लॉबी जो है रूम्स का है। सो दोस्तों मॉर्निंग में बिल्कुल फॉग नहीं था, बट अभी देखो भाई सूरज इधर निकल चुका है बट पूरा वाइट हो गया है। बेटा मम्मा को ले गया, पैर में चोट लग गई है भाई इनके, आधी टीम बैठ चुकी है, लगेज लोड हो गया है तो मैं भी बैठता हूँ। सो दोस्तों आज है मेरा तीसरा दिन और अपने दिन की शुरुआत में सबसे पहले भाई मैंने डल लेक की थोड़ी सी सैर की। फाइनली भैया ने मुझे रोड पर ड्रॉप किया, पार्किंग एरिया से मैंने अपनी गाड़ी ली और गाड़ी में सभी बच्चों को और फैमिलीज़ को लेकर आ गया सीधे गुलमर्ग। तो गुलमर्ग में सबसे पहले आती दोस्तों मैंने की गोंडोला राइड, बिकॉज गोंडोला राइड का जो हमारा टाइम फ्रेम था वो फिक्स था तो सबसे पहले हमने अपनी गोंडोला राइड को एंजॉय किया। सारे के सारे बच्चों को लेकर चला गया भाई मैं कहाँ पर, फेज़ वन पर। फेज़ टू की टिकट हमें अनलकली नहीं मिल पाई और ये टिकट्स वगैरह भी सारी की सारी मैनेज की थी उजायर ने। हाँ पैकेज से अलग थी इसकी पेमेंट, बट मेरे को एज ए कस्टमर कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो ये सब कुछ डिस्टेंट हॉलीडे ने ऑटोमेटिकली मैनेज किया। फाइनली पीडीएफ्स मुझे मेल पर सेंड कर दी जिसके अंदर मेरे गोंडोला के टिकट्स थे। तो बच्चों को लेकर आ गया मैं फेज़ वन पर और आप यहाँ देख सकते हो नो डाउट इस बार बर्फ बिल्कुल कम थी, बट कम में भी बच्चों के खेलने लायक बर्फ तो मुझे मिल ही गई। तो अभी बच्चों के साथ थोड़ा एंजॉय करते हैं और फिर लेके चलूँगा आपको डे थ्री के अपने होटल में जहाँ पर मैं आज अपना न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करने वाला हूँ। और हाँ दोस्तों एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, मैंने एक गाइड भी ले ली था, इसका नाम है राशिद, जिसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। खास कर से जब आप फैमिली के साथ होते हो तो आपको गाइड ले लेना चाहिए, ये बहुत ही सपोर्टिव होते हैं और वहाँ की फालतू फंड की लूट खसोट से आपको बचा भी लेते हैं। देखते हैं भाई रूम कैसा है। बाकी राशिद ने बहुत ध्यान रखा है यार बच्चों का, मैं अकेला पढ़ रहा था। चलो सो दोस्तों अभी डिनर मेरे ख्याल से यार रेडी हो गया है और एक बार डिनर का रिव्यू करके आते हैं क्योंकि आज पूरी नाइट पार्टी होने वाली है। न्यू ईयर लग जाएगा आज 12 बजे के बाद, तो लेके चलता हूँ डाइनिंग एरिया में और देखते हैं क्या क्या चीजें लगा रहे हैं आज। बहुत सारी डिशेस बना रहे हैं जिसको ये नाम दे रहे हैं गाला डिनर। तो देखते हैं क्या क्या है। और भाई देखते हैं कि किस तरीके का अरेंजमेंट आज होने वाला है यहाँ पर। तो भाई ये तुम्हारा डाइनिंग एरिया है, ये वॉशिंग एरिया है, देन ये डाइनिंग एरिया। अभी सभी को कॉल जाने वाला है डिनर के लिए, देन आफ्टर वी विल एंजॉय द न्यू ईयर पार्टी। सो अभी देखते हैं क्या क्या अरेंजमेंट है यहाँ पर। और भी डिशेस अभी लगने वाली हैं। तो भाई बहुत ही खूबसूरत वाला अरेंजमेंट लोगों ने किया है, न्यू ईयर की पार्टी कितनी बेहतरीन होगी क्या होगी। तो द मिडोस से आज ये आने वाला है आपके पास, देखते हैं पार्टी को एंजॉय करेंगे, डिनर को एंजॉय करेंगे और भाई एक खूबसूरत सा ब्लॉग आपके लिए शूट करेंगे। सो दोस्तों ये स्पेशल वीडियो है फॉर द मिडोस ग्रुप के लिए और साथ में डिस्टेंट हॉलीडे के लिए जिन्होंने हमारा पैकेज बुक किया।
सीरियसली डिस्टेंट हॉलीडे का मैं हर एक अपने व्लॉग में बता रहा हूँ कि भाई उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। तो मैं यही कहूँगा जो भी टूरिस्ट भाई देख रहे हैं, भाई वो बेहिचक होकर के बिना किसी परेशानी के, बिना ये सोचे हुए कि कहाँ पैसे जा रहे हैं कहाँ नहीं, आँख बंद करके डिस्टेंट हॉलीडे से अपना पैकेज बुक कर सकते हैं। बाकी रही इसकी, तो भाई कल मैंने यहाँ पे न्यू ईयर की पार्टी जो है वो सेलिब्रेट की है, ठीक है, और सेलिब्रेट ऐसी की है बहुत ही ज़बरदस्त वाली। और होटल का रिव्यू मैंने हर एक होटल का रिव्यू आपको नेक्स्ट डे दिया है, बिकॉज जब मैंने उसकी फैसिलिटीज़, उसकी एकोमोडेशन, जो भी चीज़ें वो यूज़ कर लिया उसके बाद ही आपको बताया। तो अभी लेके चलता हूँ भाई द मिडोस ग्रुप के अंदर, रूम आपको दिखाता हूँ किस तरीके के रूम्स हैं और क्या फैसिलिटीज़ इन्होंने दी है। तो चलो दोस्तों लेके चलते हैं, सो दैट आपका भी जो कन्फ्यूज़न है वो निकल जाए कि ये लोग क्या सर्विसेज देने वाले हैं। हालांकि रात को देखिए बोन फायर वगैरह बहुत कुछ हुआ है, रात की पार्टी का ही है सब कुछ। तो लेके चलता हूँ अंदर और आदिल को पकड़ता हूँ और आदिल से पूछता हूँ कि भाई यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके के रूम्स हैं, एक बार रूम्स भी आपको दिखाता हूँ। तो ये इनका रिसेप्शन एरिया भाई, यहाँ से आप देखो ये रिसेप्शन एरिया है और ये भी यहाँ से भी ऊपर रास्ता जाता है जहाँ पर रूम्स अवेलेबल हैं। स्वीट रूम इनका ऊपर ही है तो ऊपर ही चलेंगे अभी। ये लॉबी है जिसके अंदर दोनों साइड्स रूम है और नीचे आपका रेस्टोरेंट वाला एरिया है। चलो देख तो लेते हैं एक बार और फिर लेके चलूँगा रूम्स की तरफ। और ये जो सेलिब्रेशन है ये न्यू ईयर का सेलिब्रेशन लगा हुआ है। तो ये है डाइनिंग एरिया, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, लोग ब्रेकफास्ट कर ही रहे हैं अभी। ये रहा आदिल के पास चलते हैं और एक बार रूम को भी देख लेते हैं। किस तरीके के रूम्स हैं वो अवेलेबल है वो देखते हैं एक बार। ओके ये भी अच्छा है यहाँ पर। जी सो इस तरीके का कुछ रूम है जो हमें मिलता है द मिडोस के अंदर, बहुत ही अच्छी फेसिंग। और ये सामने ही देखिए इतना नियर बाई है गंडोला के कि आपको कहीं पे भी जाके वॉकिंग डिस्टेंस पे मिलेगा, कहीं आपको वॉक नहीं करना है बहुत दूर तक। ये टेरेस है एंड ये स्वीट होगा मेरे ख्याल से। चलो स्वीट को भी देखते हैं एक बार। और ये हमारे साथ हैं आदिल जो यहाँ पर सर्विसेज वगैरह देखते हैं। और ये है इनका स्वीट, बहुत ही बढ़िया। और इसमें दो फैमिलीज इजीली आ सकती है। और इसमें भी बहुत अच्छा टेरेस दिया हुआ है सेम उसी तरीके से, ये देख। तो दोस्तों इस तरीके के रूम्स हैं जो मिडोस के अंदर आपको मिलते हैं और यहाँ पर सर्विसेज को लेके फीडबैक मैं ज़रूर से ज़रूर दूंगा, बट ये रूम्स की अवेलेबिलिटी है। और अभी चलते हैं नीचे रिसेप्शन एरिया में। सो फाइनली दोस्तों निकल चुके हैं मिडोस से भाई, अभी हम निकलने वाले हैं गुलमर्ग के लिए जैसा मैंने मॉर्निंग में बताया था। और देखिए कमाल देखिए, बच्चों इतनी आइस में खेलने के बावजूद भी बच्चे जो है ना अभी भी आइस में भाग गए हैं। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और लगेज इधर है और बच्चे देखो सामने कहाँ पहुँच गए हैं, ये देखो। चलो एक बार लगेज लोड करते हैं फिर मिलते हैं आपसे दोस्तों। फाइनली दोस्तों अभी भाई गुलमर्ग से पूरा ट्रेवल करके तुम्हारा भाई पहुंच गया भाई पहलगांव। और पहलगांव पहले मुझे लगा था बिल्कुल ब्यूटीफुल नहीं है, बट अभी फाइनली मेरे को यही रियलाइज हो रहा है काफ़ी ब्यूटीफुल है। यहाँ से देखोगे तो देखो अभी भी ऊपर वाली चोटी पे धूप पड़ रही है, बट क्योंकि मैं रिवर साइड वाले बिल्कुल रिवर फेसिंग वाले एक रिजॉर्ट कह लो या होटल में हूँ। होटल का नाम है द रिट्रीट, रिट्रीट इन पहलगांव। तो ये द रिट्रीट करके हैं
ये होटल है, ये रिसेप्शन एरिया है दोस्तों, ठीक है। तो अभी बच्चों को लेके आता हूँ, फाइनली होटल का रिव्यू कल मॉर्निंग में दूंगा। तो अभी चलते हैं, बच्चों को बुलाते हैं और मिलते हैं दोस्तों थोड़ी देर में। तो मॉर्निंग में रिवर पे भी जाऊंगा, बट अभी चलता हूँ एक नई जगह पर। ये कि भाई होटल बहुत अच्छा है, अभी लेके चलता हूँ नीचे चाय की टपरी पे, चाय पीता हूँ और फिर देखो रिवर साइड है सामने जहाँ गाड़ियाँ खड़ी है, इसके आगे से ही रिवर चल रही है, थोड़ा सा रिवर साइड चलेंगे। सो दोस्तों चाय पीने गया था लेकिन ठंड इतनी थी भाई, चाय वाले ने अपनी दुकान ही नहीं खोली। फाइनली अभी तैयार होकर के भाई आ गया हूँ नाश्ता करने के लिए। तो रेस्टोरेंट की रिपेयरिंग कुछ चल रही है बट वैसे एकदम चकाचक है। तो बच्चे आ चुके हैं अंदर, मैं भी जा रहा हूँ नाश्ता करने। तो नाश्ता करते हैं दोस्तों एक बार। तो दोस्तों अभी निकल चुके हैं भाई चंदनवाड़ी को देख के, और अभी मैप में फिट कर दिया भाई सीधे दिल्ली। तो देखते हैं हम दिल्ली पहुंच भी पाते हैं अभी टाइम से या नहीं, या कहीं बीच में स्टे करना पड़ेगा। तो अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। फाइनली दोस्तों हम लोग पूरे सफ़र को तय करके भाई घर बिल्कुल पहुंच गए, और मैं तो तकरीबन 200 किलोमीटर से सो रहा हूँ मेयर ऑवनी। और अभी जो है हमारी टीम गई है गोलगप्पे खाने, देखो यहाँ से आपको दिख जाएंगे, वो दिख रहे हैं शीशे के बाहर, वो लोग गोलगप्पे खा रहे हैं। और यहाँ से घर केवल 5-6 किलोमीटर है। तो फिर घर पहुँचते हैं, जूली का प्यार देखते हैं। जूली कम से कम 6-7 7-8 दिन हो गए मुझे गए हुए, जूली 7-8 दिन से परेशान होगी भाई, वो बच्चों को तो खाने को भगेगी पर हाँ मुझे मोहब्बत करेगी। मेरा बच्चा आ गया, बस 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 बस